देखिए, हमने अभी तक जो चार फेजेस का अभी तक जो नोट हुआ है उसमें हमने अलायंस के हमने यहाँ गांधरबल से कैंडिडेट्स उतारे और बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी। यही मकसद है इस अलायंस का कि लोगों को एक बेहतर हम नुमाइंदगी दे सके, और खासकर जो इस वक्त हमारे जो तशख्खुस का मामला है, आइडेंटिटी का इशू है, जो एक बीजेपी ने हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे हुकूमत पे वो शबे खून मार रहे हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो लीडरान हैं उन्होंने फैसला किया कि हम अलायंस में लड़ेंगे ताकि उन ताकतों का हम मुकाबला कर सकेंगे जो इस जम्मू कश्मीर को हम तोड़ना चाहते हैं, जो यहाँ लोगों को मजहब के नाम पे बांटना चाहते हैं, इलाकों के नाम पे बांटना चाहते हैं, कम्युनिटीज़ के नाम पे बांटना चाहते हैं, तो जिसके हमारे अलायंस के जमाते हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। और हम जो लोगों के माल और जान के तहफ़ करेंगे, उनके हकूक़ के हम तहफ़ करने के लिए हम यहाँ पे अलायंस जो हमारा हुआ है, चाहे उस पर 370 का मामला हो, 35A का जो हमारे यहाँ पे शिनाख्त का मामला है, जैसे इन्होंने डोमोस यहाँ के एम्प्लॉयमेंट का इशू है, जो इन्होंने यहाँ पे यहाँ बहुत बड़ा एक इशू खड़ा किया है, जो हमारे नौजवान इस वक्त परेशान है, जहाँ हमारे ज़मीनों पे ये कब्ज़ा करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की ज़मीन इन्होंने नीलामी पे रख दी है, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ फैसला किया कि हम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और अपने कैंडिडेट्स उतारे। तो मेरी यही आपके इस चैनल के वसादत से गुजारिश होगी यहाँ के गयूर आवाम से कि वो अपना वोट यहाँ के जो अलायंस के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, चाहे कहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का है कैंडिडेट है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, या दूसरी जमातों के जो हमारे हैं उनके हक में वोट दीजिए, ताकि इन ताकतों का हम मुकाबला कर सके। और जो ये छोटे छोटे इन्होंने प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतारे हैं, जो ऐसे जो आज़ाद उम्मीदवार के नाम पे जो यहाँ वोटों का बंटवारा चाहते हैं करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सोचे समझे मंसूबे और साजिश के तहत किया जा रहा है। उन चीज़ों से आप होशियार रहिए। आप देखिए इस वक्त एक जद कहाँ पे आपका मुस्तकबिल कहाँ सेफ है, आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ पे सेफ है। तो इसलिए मेरी आप गुजारिश होगी सारे आवाम से कि आप खुद सोच समझ के फैसला करके हमारे अलायंस कैंडिडेटों को कामयाब बनाए।